सिर्फ सिर रखी हुई है उनकी। अरे यार तो सर्प नगरी आ गए हम तो। अच्छा ये सब साल का वृक्ष है। ये देखो साल ये सतपुड़ा की वंश पतिक विविधता। ये सागौन महुआ बैम्बो देखो कौन सा प्लांट है क्या मास एक पौधा है। जब देख के आ जा। ये देखो परी फिर से गई है सांप को देखने। देख लिए अब आ जाओ ना बहुत चीज देखना और भी तो देखना है। परी को सांप ही देखना बार बार। ये ये भी जाएंगे ना हम लोग धूपगढ़ में वो सनसेट सनराइज। अच्छा वो जो वो सबसे ऊपर वाला किला था वाला किला है ना। ये पंचमढ़ी का सबसे हाईएस्ट पिक पॉइंट है धूपगढ़। पांडव गुफा है बी फॉल। अक्षरा विहार ये रजत प्रपात। ये जटाशंकर गुफा बस हो गया। अब हम लोग निकलने वाले हैं बाहर। चलो परी ये अभी हम जा रहे हैं पांडव गुफा। कितने अच्छे
दिख रही है। और यहाँ से व्यू कुछ हमारे चारों ओर का इस टाइप का है, ये देखो हरी भरी माहौल। तो हमें जाना है इस गुफा के अंदर, तो चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे पांचों पांडव आए थे रहने के लिए, एक साल तक उन्होंने इस गुफा में अपना समय व्यतीत किया था। जो हमारे अभी गाइड मिले हैं, फॉरेस्ट गाइड, वो सब बता रहे थे अभी कि 1862 में जो अंग्रेज थे वो लोग ही पंचमढ़ी का खोज करे थे। तो यहाँ पे जो पांच पांडव आए थे, इसी वजह से, इस पांच गुफा की वजह से ही इस जगह का नाम पंचमढ़ी पड़ा है। तो अभी देखो हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, कल से बस सीढ़ियाँ ही चढ़े जा रहे हैं। कहीं घूमने जाओ ना तो उसके लिए एनर्जी बहुत चाहिए। ये देखो इसका इतिहास इसमें लिखा है, देख लो आप लोग भी। पंचमढ़ी के नाम का जो रहस्य है वो यही है, पांडव कैप्स, पांडव गुफा। तो मैं अब सीढ़ी चढ़ लेती हूँ। थोड़ा सा राइट में गाइस प्लीज, भैया पर ये हमारे थके। क्या हो गया बेटू? मैं आपका हाथ पकड़ा ना, कृष्ण का टोपी रखे है ना। बन रही है ये देखो, पत्थर के काट काट के ही सीढ़ी बनाए गए हैं, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा सीढ़ी नहीं लगाया गया है। सारे पत्थर तराशे हुए हैं। अभी हम इतनी ऊंची और जाने लगे, अभी हम इतना सीढ़ी चढ़े हैं, अभी इतना हमें और जाना पड़ेगा। समर में और अच्छा लगता है। हाँ बोल तो रही थी मैं भी आपको, जीवा की मम्मी बोल रही थी फरवरी में जाना। ये देखो मतलब यहाँ ना पूरे साल मतलब हरियाली रहती है। ये रे ओ देखो वाह।